जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कोरोना से सतर्क रहे, मास्क लगाए, आपस में दूरी बनाए और वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करें, वैक्सीन लगवाए। जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं तेज साहू हूँ और आप दलोक मीडिया देख रहे हैं। मैं मास्क लगाया हुआ हूँ क्योंकि अभी जो है तीसरी लहर का प्रकोप जो है पूरे देखे जा रहे हैं, ओमिक्रॉन का जो खतरा है। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति से हम आपको मुलाकात कराने वाले हैं, हुसैन दादा से, जो पहले जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद से एक अभियान चला रहे हैं। वो जो है एक हमारा राष्ट्रीय जो तिरंगा है उसको अपने हाथ में लिए पूरे छत्तीसगढ़ भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को मास्क लगाने के लिए और तमाम जो प्रिकॉशन है उसके लिए जागरूक कर रहे हैं। तो जानेंगे कि कब से वो जो है इस यात्रा को शुरू किए हैं और क्या कुछ उनका उद्देश्य रहा है। तो ये है हमारे हुसैन साहब। मैं अक्सर हुसैन कुरैशी, काफी रामनगर मस्जिद के बाजू, मेरी एज अभी 58 है, दोनों हाथ मेरे हैंडी के। जब फर्स्ट लॉकडाउन शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या है कोरोना, न मास्क नहीं, न डिस्टेंस की कोई वो नहीं, बस घूम रहे हैं, तीन तीन चार चार सवारी गाड़ी में घूम रहे हैं, इनको कोई इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि कोरोना फैला हुआ है और बढ़ भी सकता है। इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए निकला है कि मास्क लगाए, कम से कम डिस्टेंस बना कर रखें और वैक्सीनेशन लगवाए। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मेरा एक लड़का एक लड़की है जो कि अभी बड़े हो चुके हैं और अब तो मैं काम कर ही नहीं सकता, दोनों हाथ में रहेंगी कैसे। इसी माहौल को देखते हुए चलो कम से कम जनता की सेवा करूँ, इसलिए मैं राष्ट्रीय झंडा लेकर और उसके कपड़े में सब दिख कर घूमता रहता हूँ। मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ संदेशा देता हूँ, लोग मास्क लगाते देखते मेरे को और जिससे आपस में दूरी करते हैं। मैं अभी फिलहाल तो रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, महासउन, बागपारा, सरईपाली और इधर अपना जगदलपुर, कांकेर, धमतरी, अभनपुर सब जगह घूमते हैं। डेली पास कर मंत्री या विधायक जिनके पास जाओ तो ये 1500 दे देते हैं और उससे मेरा खर्चा चल जाता है। जहाँ भी जैसे जाता हूँ वहाँ मंत्री या विधायक से मिलता हूँ, वो देते हैं आने जाने खर्चा। मेरे को आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं, किसी से एक हफ्ते क्या नहीं है। वैसे पैदल चला तो बहुत अच्छा ही है इस उम्र में, लेकिन मैं खासकर नौजवानों को ये संदेश देता हूँ कि आपको अभी बहुत दूर तक जाना है, कम से कम मास्क लगाएं, आपस में दूरी बनाएं और अपने आप को संभालें और चलते रहें, लोगों को जागरूक करें, मास्क लगाएं। कहीं भी रोड चौराहे में बिना मास्क उठाई हुई है, इनको मैं संदेश देता हूँ। कई जैसे लड़कियाँ होती हैं अपने चेहरे के मेकअप के बारे में जो मास्क नहीं लगाती, ये उनकी बहुत बड़ी गलती, आगे चल कर बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। अख्तर हुसैन कुरैशी दादा है, आप सबके लिए भी यही सुझाव रहेगा कि आप सब जो है मास्क ऐसे लगा कर कैरी करें, वैक्सीनेशन आप सब लगाएं क्योंकि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। थैंक यू दादा।